नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी के अंदर पाठ क्रमांक 2 मेहनत की कमाई, इस पाठ की जो कहानी है उस कहानी को हम कहानी का जो सार है उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। एक सेठ था और उसका एक पुत्र था। पुत्र बहुत आलसी था और कामचोर था। पिता अपने पुत्र को मेहनत का पाठ सिखाना चाहते थे, तो एक दिन पिता ने अपने पुत्र को कहा कि जा बेटा कुछ कमा कर ला। बेटा पूरे दिन उदास बैठा रहा। शाम को जब उसकी मम्मी आई, माताजी आई, तो उसकी माँ के सामने जाकर वो रोने लगा और मिन्नतें करने लगा। माँ को उसके ऊपर दया आ गई और माँ ने उसे झट से 1 रुपया निकालकर दे दिया। शाम को जब उसके पिता आए तो पिता ने पूछा कि बेटा आज तूने क्या कमा कर लाया है, तो पुत्र ने झट से 1 रुपया निकाला और अपने पिता को दे दिया। पिता ने कहा कि इसे कुएं में फेंका, तो पुत्र ने उसे कुएं में फेंक दिया। दूसरे दिन सुबह पिता ने वापस अपने पुत्र को कहा कि जा बेटा कुछ कमा कर ला। अब बेटा अपनी बहन के पास जाकर रोता है और रोकर मिन्नतें करता है। बहन को भी उसके ऊपर दया आ गई, तो बहन ने उसे झट से 1 रुपया दे दिया और उसकी मदद कर दी। अब शाम को जब पिता आते हैं तो पिता ने उसे पूछा कि बेटा आज तूने क्या कमा कर लाया है, तो पुत्र ने झट से 1 रुपया निकाला और पिता को दे दिया। पिता ने कहा कि इसे कुएं में फेंका, तो पुत्र ने उसे कुएं में फेंक आता है। अब पिता अनुभवी थे, उन्हें मालूम पड़ गया था कि ये मेहनत तो करता नहीं है, ये कहीं से पैसे उधार पैसे अपनी माँ से या अपनी बहन से ले लेता होगा। तीसरे दिन अपने उसके पिता ने एक तरकीब सोची। उसकी सेठ ने अपनी पत्नी को और उसकी बेटी को किसी कारणवश बाहर भेज दिया और पुत्र को कहा कि जा बेटा कुछ कमा कर ला। अब पुत्र पूरे दिन उदास बैठा था। क्यों? क्योंकि आज उसकी माँ और उसकी बहन उसकी मदद करने वाली कोई नहीं थी। वो पूरे दिन उदास बैठा रहा, दुखी बैठा रहा और रोने लगा। फिर शाम को वो बाजार जाता है, तो बाजार जाकर उसे एक बाजार में सेठ मिलता है। सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें 4 आने दूंगा, लेकिन तुम्हें ये संदूक मेरे घर पर पहुंचाना होगा। अब पुत्र ने सोचा कि अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो उसने उस सेठ का संदूक उठाया और उठाकर उस सेठ के घर पर छोड़ आए। फिर सेठ ने उसे बदले में 4 आने दिए। जब वो 4 आने लेकर फिर शाम को घर पर आता है, तो उसके पिता उसे पूछते हैं कि बेटा तूने आज क्या कमा कर लाया है, तो झट से वो 4 आने निकालकर अपने पिता को दे देता है। तो पिता इसे कहते हैं कि जा इसे कुएं में फेंक आ। तो लड़का नाराज होता है, गुस्सा आता है, क्रोधित होता है और कहता है कि मैं इसे कैसे कुएं में फेंक कर आऊं, ये तो मेरे मेहनत की कमाई है। तो उसके पिता तो अनुभवी था और पिता को लगा कि हाँ, जब उसने मेहनत नहीं करी थी तो उसने झट से कुएं में पैसे फेंक दिए थे, लेकिन आज इसने मेहनत करी है। तो वो बेटा कहता है कि आज मेरे ये तो मेहनत की कमाई है, मैं इसे कैसे कुएं में फेंक आऊं, मैंने एक सेठ का संदूक उठाया था और संदूक उठाकर उसके घर पे छोड़ा तो मुझे 4 आने मिले और मैंने आज मेहनत पहली बार मेहनत करी है, तो आज मेरे हाथ पैर और कमर दर्द हो रहे हैं। तो जब उस बेटे की बात को उसके पिता ने सुना तो पिता को एहसास हो गया कि आज मेरे बेटे ने मेहनत की है और आज उसे लगा कि मेहनत कैसे की जाती है। तो अब हम
इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं उस शब्दार्थ को समझेंगे। तो शब्द, ये शब्द है और उसके सामने अर्थ है। तो पहला है लापरवाह। लापरवाह का अर्थ होता है असावधान या बेफिक्र। दूसरा है विवश। तो विवश का अर्थ होता है मजबूर। फिर है मिन्नत। तो मिन्नत का अर्थ होता है विनती। फिर है झटपट। तो झटपट का अर्थ होता है तुरंत और फुरत। फिर है अगला है क्रोध। तो क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। उसके बाद है मेहनत। तो मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम। उसके बाद है प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान भरिए। अब रिक्त स्थान भरने के बाद नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन के अंदर है पहला क्रोध, दूसरा है दुखने, तीसरा है माँ और चौथा है रोने, पांचवा है बेटी। तो ये खाली स्थान है। इन खाली स्थान के अंदर इन ऑप्शन को सही उत्तर में हमको चुनकर भरना है। जैसे पहला है खाली स्थान, दूसरे का पहला है बेटा के पास जाकर लगा। तो बेटा माँ, तो यहाँ आएगा माँ। बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा, तो इसमें आएगा रोने। दूसरा है ख। ख के अंदर है खाली स्थान, पिता ने पत्नी और को बाहर भेज दिया। अब खाली स्थान में क्या आएगा? तो पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। तो दूसरे खाली स्थान के अंदर आएगा बेटी। तो पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। ग है लड़के को आ गया। अब लड़के को क्या आ गया था? तो लड़के को क्रोध आ गया था। क्रोध यानी गुस्सा। तो लड़के को क्रोध आ गया। अब है घ। घ है मेरी गर्दन, कमर और पैर लगे हैं। तो इसमें खाली स्थान में आएगा दुखने। मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे। दुखने लगे हैं। अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीत का अर्थ होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द जैसे पहला, विलोम शब्द पहला है दुख। तो दुख का होगा सुख। दुख का क्या होगा विलोम शब्द? सुख। फिर है जल्दी। जल्दी का विलोम शब्द होगा देरी। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीत का अर्थ होता है विलोम शब्द। अब हमको इनके विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे पहला है दुख। तो दुख का विलोम शब्द होगा सुख। दुख का
विलोम शब्द होगा सुख। फिर है दूसरा जल्दी, तो जल्दी का विलोम शब्द होगा देरी। तीसरा है रात्रि, रात्रि यानी होता है रात, तो रात्रि का विलोम शब्द होगा दिवस। फिर है चौथा जीवन, जीवन का विलोम शब्द होगा मरण। ये हमने विलोम शब्द लिखे। अब एक बार मैं पुनः इन्हें वापस अभ्यास कार्य को मैं समझा रहा हूं। प्रश्न पहला है शब्द अर्थ लापरवाह, तो लापरवाह का अर्थ होता है असावधान और बेफिक्र। अगला है विवश, विवश का अर्थ होता है मजबूर। मिन्नत, मिन्नत का अर्थ होता है विनती। झटपट, झटपट का अर्थ होता है तुरंत फुरत। अगला है क्रोध, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। मेहनत, मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम। प्रश्न संख्या दो है रिक्त स्थान भरिए, इसके अंदर ऑप्शन है क्रोध, दुखने, माँ, रोने, बेटी। क है बेटा, माँ के पास जाकर रोने लगा। ख है पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। ग है लड़के को क्रोध आ गया। ग है मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं। प्रश्न तीन है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। पहला है दुख, तो दुख का होगा सुख। दूसरा है जल्दी, तो जल्दी का होगा देरी। तीसरा है रात्रि, तो रात्रि का विलोम शब्द होगा दिवस। और जीवन का होगा विलोम शब्द मरण। धन्यवाद।